थोड़ा सा फिसले और इमेजिन करें कि आपने कहाँ जाना है। ये आप ज़िगज़ैग रोड देख रहे हैं, ये हमने क्रॉस करना है। और वो जो भाई रास्ता दे दे मेहरबानी तेरी। अच्छा मैं इसको हॉर्न दे रहा हूँ, ये सर ना मेरी तरफ ही कर रही है ताकि वो जिसमें हम टक्कर मारने वाला सीन नहीं होता। और राइट नो हमने बाइक भगा दी है क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए थे। छोटे गियरों में जो है ना, पहले ही गियर यार हमने यूज़ किए ऑलमोस्ट, पहला दूसरा बहुत कुछ 2 या 3% होगा ओवरऑल भी। यार क्या कमाल की जगह है यार ये भी ना, माशाल्लाह वाकई जन्नत नज़ीर है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? अल्लाह की फजल, अल्लाह की करम, अल्लाह की अनायत से ठीक होंगे। राइट नो जी बाबून टॉप पे हूँ और बाबून टॉप से जी कुंडल शाही वाले रास्ते पे जाना है। और कुंडल शाही वाला जो रास्ता है ना वो बहुत खूबसूरत है। तो कुंडल शाही वाली तरफ से हम उतरेंगे तो एक तो हमारा रास्ता बच जाएगा, बजाय इसके कि जी बाबून टॉप से जहाँ से आए हैं और वहाँ से जाएँ। अगर आपने देखना तो पिछला वीलॉग आप देख सकते हैं कि मैं किस रास्ते से आएँ, जो बहुत मुश्किल रास्ता है। अभी राइट नो जी कुंडल शाही की तरफ से जाएँगे और देखते हैं जी, 2-2.5 घंटे का यहाँ से सफ़र है तो चलते हैं जी सफ़र की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। स्टार्ट कर दिया बबून टॉप से और लुक एट द ग्लेशियर, क्या लश नज़ारा है माशाल्लाह। और उसके ऊपर से जो बादल गुजर रहे हैं ना बड़ी स्पीड में, उन्होंने तो और ही माहौल सा बना दिया। और ये जी रास्ता है कुंडल शाही का, सो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे हमें। और पाकिस्तान आर्मी इसे डिफेंस रोड बनाने की सोच रही है और मुझे लगता ये है कि बना देगी, बहुत जल्द बना देगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक डिसिप्लिन फोर्स है और मुझे नहीं लगता कि वो इस काम को जब ऑर्डर होगा तो देर लगाएंगे। और लुक एट दिस, ये रास्ता हमने उतरते उतरते जाना है नीचे और बहुत ही बड़ी खाई है। इधर से उतरने का मकसद जो है ना कि वो ये सिर्फ एक ही है कि जो रास्ता है ना वो बहुत खूबसूरत है, और कोई रीज़न नहीं है। शुक्र है कि हमें आज धूप मिल गई, वरना ये रास्ते बहुत दुश्वार हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब आप फिज़िकली आएंगे, जीप पे आएंगे तो कमर हिला के ही जाएंगे। उतरना हमेशा जी ट्रिकी होता है, याद रखिएगा, बाइक चढ़ाना इतना मुश्किल नहीं होता। मैंने इनसे पूछा है बकर वालों से तो वो कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद जो है ना हम नीचे उतरना शुरू कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड हो गई है। और जिधर हमने जो लास्ट वीलॉग में जहाँ पे स्टे किया था ना, वो वहाँ पे बहुत ठंड थी रात को, यकीन करें इमेजिन आप नहीं कर सकते। शुक्र है कि हमने ना इस गेस्ट हाउस पे स्टे कर लिया, अदरवाइज़ हम कैंपिंग भी अगर करते ना तो हमारे हालत बहुत बुरी होनी थी। वैसे भी कैंपिंग के लिए ना जो है पानी बहुत ज़रूरी है, तो पानी हम कहाँ से तलाश करते। ये देख सकते हैं जी अजीब किस्म की जी यहाँ पे पौधे लगे हैं, फूल हैं बेसिकली, वो जो रेड वाले आपको नज़र आ रहे हैं वो फूल हैं और वो ग्रीन मार्क वहाँ पे दोबारा लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो रेड फूल हैं ये हाइटेड ही प्लेसेस पे होते हैं। और बिल्कुल पहले जी खड़ी चढ़ाइयाँ थी, अब यकीन करें जी खड़ी निचाई में कह सकता हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, कड़ी चढ़ाई तो नहीं होती, बहरहाल बिल्कुल ही निचाई है ना जी। थोड़ा सा फिसले और इमेजिन करें कि आपने कहाँ जाना है। ये आप ज़िगज़ैग रोड देख रहे हैं, ये हमने क्रॉस करना है। और वो जो नीचे एक पहाड़ में ना मैदानी रास्ता बना हुआ है वहाँ से गुजर के जाना है, वो सामने आबादी है और ये माइटी ग्लेशियर, इसने तो यार बहुत वैसी सा माहौल बनाया हुआ है यहाँ पर, और वो आबादी है उस साइड पे हमने जाना है। ये देखें जी रॉक फॉर्मेशन है और मुझे तो लगता है यार ये मार्बल के लिए बेस्ट माउंटेन है वैसे, जो क्योंकि जिस तरह का ये शेड है ना इसका मार्बल का, वो बहुत ही बाकमाल है। मगर ये थोड़ा सा पहाड़ है, इतना ज़्यादा नहीं है, ये देखें
काटने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से जरी मारें और मार्बल के तौर पे से यूज़ करें। जो सनलाइट इस माउंटेन पे पड़ गई उसकी रिफ्लेक्शन देखें, उसने पहाड़ का कलर ही चेंज कर दिया। यहाँ पर हमें जानवर वगैरह नज़र आ रहे हैं चारे के लिए, ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास है, तो ये आबादी वालों के लिए ना बहुत बड़ी फैसिलिटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाइक को इस पहाड़ से नीचे लाना भी ना बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जगह जगह पत्थर पड़े हैं बेसिकली, तो मिट्टी का पैच तो आपको यहाँ पे मिलते ही नहीं है, सारे नीचे हैं ना पत्थर। तो काश इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है और ज़बरदस्त तरीके से जी नीचे उतर है, मगर जंप्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं जब पत्थर मिलते हैं ना आपको रास्ते में, क्योंकि आपने पत्थरों से होकर जाना होता है। भाई रास्ता दे दे मेहरबानी तेरी। अच्छा मैं इसको हॉर्न दे रहा हूँ, ये सर ना मेरी तरफ ही कर रही है, ताकि वो जिस तरह टक्कर मारने वाला सीन नहीं होता। शुक्र है डर गई है, मैंने इसका पूरा प्रोग्राम था अंडरस्टैंड कर रही थी हमें कैसे इनको मारा जाए, बार अल्लाह ने बचाया। भाई रास्ता दे दो, ओ भाई साहब रास्ता दे दो। पक्षियों के ऊपर से गुजर के जाना है और पिछला टायर जम मारते ये देखिए, ये देखो। लुक एट दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, और वहाँ पे ना एक छोटा सा मेडोज है, आई डोंट नो कि इसका नाम क्या है। ये सामने जी ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर में ना मुझे एक ब्लैक होल नज़र आ रहा है, और थोड़ा थोड़ा सा पानी करके ना नीचे की तरफ मैं उसको चेक किया गिर है, तो जब धूप लगती है तो ये मेल्ट होना स्टार्ट करता है। तकरीबन कोई 45 मिनट से हम नीचे उतर रहे हैं और रास्ता ऐसे ही है। जो बबून का जो ट्रिप था ना वो यादगार हो गया। वो देखें एक आपको आबशार भी नज़र आ रही है, मगर ये ग्लेशियर वाली आबशार है और ऊपर ना बकरवालों के घर हैं। वाह दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये खड़ी चढ़ाई है और हमारे लिए निचाई है, और बहुत सख्त निचाई है, और नीचे बकरवालों के घर हैं, और इस निचाई की वजह से ना हम बहुत जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे। इधर से भी जो है ना बबून आसान नहीं है, अगर आपको दिल चढ़ाई से बबून आ रहे हैं तो इट इज़ आल्सो डिफिकल्ट। शायद वो प्रो आपको ना दिखा रहा हूँ भारत की ऊंचाई काफ़ी मुश्किल है। मिट्टी वाला जी पैच स्टार्ट हो गया और अभी थोड़ा सा मोमेंटम बना है, और वो जगह देखें जी कितना खूबसूरत मेडो है। और आगे जाके जी रास्ता पक्का हो जाएगा, मगर सम और ये पैच हमें करके जाना है। और राइट नाउ जी एक ब्यूटीफुल सा फॉरेस्ट आ चुका है जिसके दरमियान से हम गुजर रहे हैं, और अब ठंड लग रही है इस एरिए से जो जहाँ से गुजर रहे हैं, अच्छी गली ठंड हो गई है, और ये ट्रैक गीले ही है तकरीबन, मुझे धूप पड़ती नहीं है। बहरहाल ये जो एरिया अभी हम गुजर रहे हैं ये बहुत सिमिलर है नदी बंगले और कुंड बंगले वाले एरिए से। अगर आपने नदी बंगला और कुंड बंगला देखना हो तो मेरे YouTube चैनल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वो भी बिल्कुल सिमिलर सही है, उधर भी अच्छी बढ़िया ऑफ
ठीक ठाक ऑफ रोड है। इस वाले ट्रैक पे भी ना जी खड़ी चढ़ाइयाँ आते हुए बहुत दुश्वारी का सामना हो सकता है। तो अभी तो खैर मैं नीचे उतर रहा हूँ तो इस पर्सपेक्टिव से भी इसको देख लें और जाते हुए भी अपने जहन में अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि यार ये जो ट्रैक है ना ये बहुत डिफरेंट टाइम का ट्रैक है और ये आपको बहुत तंग कर सकता है। तो देखिए ना स्टिल नीचे पर फिर पत्थर आपको मिल रहे हैं, नरम मिट्टी है और उसके साथ आपने टर्न लेना। हाँ अब अंदाज़ा करें तो यहाँ से बाइक चढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको। कि उसी तरह के हाउसेज हैं जिस तरह आपको मिलते हैं मकबूज़ा कश्मीर में, माशाल्लाह क्या खूबसूरती है। अभी 3 का टाइम हो रहा है और देख लें जी छाँव ही छाँव है क्योंकि पहाड़ों के पीछे जो है वो सूरज छुप जाता है। वाह और इस दरिया के साथ लोगों के एक खूबसूरत घर हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या कोई पॉलिटिकल जलसा तो नहीं यहाँ पर होने वाला, बजाय लग यूँ ही रहा है क्योंकि ये किराए की जीपें मुझे नहीं लग रही। अल्लाह अकबर। पानी गहरा था, आकाश के तो दोनों शूज के गुड वन, और उसी के साथ साथ जो है ना ये चढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह जी एस्फाल्ट रोड जी स्टार्ट हो चुका है, शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा दोस्तों सीन ऐसा है कि जी बाइक हमने भगा दिए हैं, क्यों? क्योंकि जबरी से बबून पहला गियर, बबून से राइट नो पीछे तक जो कच्चा पैच तक जान तक मोस्टली पहले गियर पे ही हम आए हैं। तो अभी हमें दूसरे तीसरे गियर लगाने का मौका मिल गया और अभी हमें राइड और लीन करने का बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। वाओ यार किस तरह स्टेप वाइज घर बने हुए हैं और रास्ते बने हुए हैं माशाल्लाह। और ये दो पहाड़ हैं उसके गैप, उसके दरमियान में गैप है जहाँ से ना पानी आ रहा है। वाओ माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आबादी हुई हुई है जी, पैचेस बने हुए हैं फसलों के लिए, स्टेप बाई स्टेप घर हैं, दो पहाड़ हैं उसके दरमियान में से एक नाला आ रहा है। वाओ 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 पहाड़ के टॉप्स पे घर बने हुए हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो रास्ता है ये रास्ता जो है ना ऊपर की तरफ जाता है। अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि ये यहाँ तक तो ये नज़र आ रहा है, उससे ऊपर नज़र नहीं आ रहा। अब वल्लो आलम ये कैसे लोग रैश पजीर हैं और कैसे ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर रहे हैं माशाल्लाह। क्या नज़ारा, धूप ऐसी है कि मैं बिल्कुल फ्रंट पे हूँ मगर व्यू को मिस नहीं कर सकता था। यार क्या कमाल की जगह है यार ये भी ना माशाल्लाह।
वाकई जन्नत नज़ीर है यार। क्या खूबसूरत वादी है, और पानी जो है ना वो ब्लू ब्लू है, और ये रास्ता जी कुंडल शाही की तरफ जाएगा। वी आर नियर टू कुंडल शाही, क्योंकि बहुत सारा जो है ना वो टाइम लग गया था